नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को डूडलिंग के बारे में बताने वाला हूं। डूडलिंग क्या होता है, डूडलिंग का क्या बेनिफिट है, डूडलिंग करते कैसे, सारा कुछ वीडियो पर आप देखने वाले हो। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह से इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट्स के लिए। तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं। देखो डूडलिंग क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लो। डूडलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कुछ भी सोच रहे हो बस उसको आप पेपर पर ड्रॉ करना है। जैसे बचपन में आपको याद होगा कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर पढ़ा रहे होते थे और हम लोग कुछ ना कुछ पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते थे। पता नहीं रहता था कि बना क्या रहे हैं, हम लोग ये नहीं सोचते थे कि सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। आईज नोज कुछ कुछ बनाते रहते थे, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो उसे ही डूडलिंग कहते हैं। अब देखो डूडलिंग का बेनिफिट क्या होता है। देखिए काफ़ी लोग एक सवाल हमसे हमेशा पूछते हैं कि, या फिर आप लोग काफ़ी लोगों से पूछे होंगे, काफ़ी आर्टिस्टों से पूछे होंगे कि इमेजिनेशन से ड्राइंग कैसे करते हैं, मन में कैसे आता है ड्राइंग, मन में जो भी चीज़ आ रहा है उसको हम लोग परफेक्टली कैसे पेपर पे ला सकते हैं। तो देखिए उसका एकमात्र उपाय है, वो है कि आपका डूडलिंग। आप जितना डूडल कर सकते हो उतना डूडल करो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक गाय बना रहा हूँ, काऊ को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई रेफरेंस नहीं देख रहा हूँ। जो मेरे मन में चल रहा है, जो मैंने इतने टाइम से प्रैक्टिस किया, जो मैं सोच रहा हूँ बस उसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। जब भी आप डूडल करने बैठो ये सोच के कभी मत बैठना कि मुझे एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना है। नहीं, अगर आप ये सोच के बैठोगे तो फिर डूडल का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। सेकेंड चीज़, डूडल जब भी आप करो तो कभी भी किसी से ये मत पूछो कि जो मैं बनाया हूँ वो सही है या फिर नहीं है। अगर आप ऐसा पूछते हो देन डूडल का जो सारा बेनिफिट है वो आप खो दोगे उस टाइम पे। इसलिए डूडल का मतलब होता है कि जो भी आप सोच रहे हो बस डूडल को एक इंजॉयमेंट की तरह लो। लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ सीरियसनेस भी ज़रूरी है कि डूडल आपको करना है डेली बेसिस पे, तब आपका जो इमेजिनेशन वाला ड्राइंग होता है, काफ़ी आर्टिस्टों को आप देखेंगे कि जो काफ़ी कुछ यूनिक बना देते हैं। तो यूनिक कैसे बनता है, वो डूडलिंग की वजह से बनता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डूडल करते हैं, स्केचेस करते हैं अपने लाइफ में। स्केचिंग का भी सीरीज काफ़ी सारा आने वाला है मेरे चैनल पे। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे देखो मैंने एक गाय बनाया है और मुझे नहीं पता कि ये गाय पूरा परफेक्ट है या फिर नहीं। मैं यहाँ ये सब बिहाइंड द सीन चलता है, हर एक आर्टिस्ट डूडलिंग करते हैं। हाँ काफ़ी लोग शेयर करते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं। और मैं आप लोगों को अपने स्केचबुक से कुछ पेजेस शेयर करूंगा जिसमें मैं स्केचेस करता हूँ, डूडलिंग करता हूँ, जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। और ये ज़रूरी है कि आप एक छोटा सा कॉपी बना लो, और ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ करो ना, नॉर्मल से एक नोटबुक लो और उसमें कुछ भी बनाते रहो बिना बगैर ये सोचे हुए कि आप परफेक्ट बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो। मैं आप लोगों को एक और गाय बना के दिखा रहा हूँ, और बस देखो कि मैं किस तरह से स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ। मैं एक एक ब्लॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार टेक्निक बताया ब्लॉकिंग का, तो हर जगह पे आपको ब्लॉकिंग नहीं करना होता है, ठीक है। जब भी आप मन से कुछ इमेजिनेशन से ड्रॉ करो तो स्क्रिबलिंग कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़, मैं पेन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, पेंसिल का भी तो यूज़ कर सकता था, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो पेन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपको उस टाइम इरेज करने का ऑप्शन नहीं रहता है। जो भी चीज़ें आप ड्रॉ करते हो काफ़ी सोच समझ के ड्रॉ करते हो, ताकि एक बार अगर आप गलती करो तो आप उसे मिटा ना सको। इसलिए कभी कभार आप पेन का भी यूज़ करो, पेन भी काफ़ी एक अच्छा टूल होता है स्केचिंग और डूडलिंग वगैरह करने के लिए। तो इस वीडियो को इन्जॉय करो, देखो मैं किस तरह से ड्रॉ करूँ, एक एक मोमेंट को देखो। ऐसा नहीं कि स्किप करके देख रहे हो, स्किप करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप आर्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हो, ये कोई एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट का वीडियो तो है नहीं।
इसे सीरियसली देखना करना दोस्तों। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे अपना जो भी आप डूडलिंग है वो मुझे आप भेज सकते हो कमेंट बॉक्स में।